मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश से हर मंडल के कार्यकर्ता आज विजय संकल्प के लिए भोपाल के अंदर इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी, कार्यकर्ता है साहब पार्टी के नचे, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री और हम सबको संगठन के काम के अंदर अहम जोड़ने वाले श्रीमान रामदास जी, भाई खावरचंद जी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, पेट्रोलियम विभाग के भारत सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश से ही सांसद श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रभात झा जी, मेरे साथ मेरी टीम में राष्ट्रीय महामंत्री है, ऐसे मध्य प्रदेश के नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक मध्य प्रदेश को एक गतिशील नेतृत्व दिया और अभी अभी पार्टी ने उनको अन्य जिम्मेदारियों के लिए मध्य प्रदेश से ऊपर ले जाने का फैसला किया है। ऐसे भाई हमारे श्री नंद कुमार चौहान जी, श्री भगन सिंह कुलस्ते जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी और राकेश सिंह जी, तीनों के भाषण के बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं। मित्र बहुत पुराना भारतीय जनता पार्टी का संगठन वाला और एक प्रदेश एक प्रकार से भारत का दिल, जहां मां नर्मदा, जहां मां क्षिप्रा के जल अहर नीच बहा करते हैं, जहां पर भगवान महाकाल स्वयं विराजकर जगत के कल्याण के लिए अपने आशीर्वाद सबको देते हैं, जिस भूमि पर बालक शंकर को शंकराचार्य बनाने का पुण्य स्थान उपस्थित है, ऐसी पुण्य धरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए एक तीर्थ समान। यहां पर कुशलवादी और राजमाता साहब ने संगठन के मूल सिद्धांतों को, आदर्शों को चरितार्थ करने की एक धर्म यात्रा यहां पर है। कुशाबाव जी पूरा जीवन नीले भाव से संगठन को समर्पित जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार और विकास के लिए उन्होंने दिया और उसका सबसे ज्यादा फायदा देश भर में किसी एक राज्य को मिला है तो मध्य प्रदेश के सौभाग्यशाली कार्यकर्ता। मित्रों, शिवराज जी ने कहा हम चुनाव जीते, हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आह्वान दिया, नरेंद्र सिंह जी ने भी आह्वान दिया, मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव हम सब ने उषा भाऊ और राजमाता साहब को समर्पित करना चाहिए और इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर जीतने का संकल्प ले, भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर इस चुनाव को जीतने का रास्ता तैयार। मैं इस विषय पर बाद में थोड़ी बात करूंगा।
मगर मैं अभी अभी कर्नाटक के दौरे पर हूं, कर्नाटक के चुनाव में ढूंढा आपकी तरह सब कार्यकर्ताओं को जिले जिले में जाकर मिलता हूं। आम सभाएं होती है, रैलियां होती है। एक दिन रात को मैं टीवी देख रहा था, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष और राहुल बाबा दोनों का बयान कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और बड़े विश्वास से बोल रहे। मैं सोचता था कि किस आधार पर बोलते होंगे और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2014 से 2018 की हमारी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बताना चाहता हूं। जो चली गई चलना शुरू और जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का आशीर्वाद देश भर की जनता ने दिया है वो आज देश के राजनीतिक मानचित्र को बदल कर लोकसभा के चुनाव के बाद कार्यकर्ता जरा ध्यान से सुने। लोकसभा के चुनाव के बाद सबसे पहला चुनाव महाराष्ट्र में आया, कांग्रेस गई भाजपा की सरकार में। दूसरा चुनाव चौथा चुनाव जम्मू कश्मीर में आया, कांग्रेस गई भाजपा की सरकार बनी। पांचवा चुनाव आसाम में आया, कांग्रेस गई भाजपा की सरकार बनी। छठा चुनाव मणिपुर के अंदर आया, कांग्रेस गई भाजपा की सरकार बनी। सातवा चुनाव उत्तराखंड में आया, कांग्रेस गई भाजपा की सरकार बनी। आठवा चुनाव उत्तर प्रदेश में आया, 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नौवां चुनाव गुजरात में आया, फिर से एक बार भाजपा जीती। दसवां चुनाव गोवा में आया, फिर से एक बार भाजपा जीती। ग्यारहवां चुनाव हिमाचल में आया, कांग्रेस गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बारहवां चुनाव मेघालय के अंदर आया, कांग्रेस गई भाजपा की सरकार बनी। तेरहवां चुनाव नागालैंड में आया, कांग्रेस गई हारी भाजपा की सरकार बनी। चौदहवां चुनाव त्रिपुरा में आया, कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पंद्रहवां चुनाव कर्नाटक में है, 15 मई को पटाखे तैयार रखना। और कांग्रेस के अध्यक्ष बना है कॉरपोरेट घराने के प्रिय पात्र को अध्यक्ष बनाने का काम कांग्रेस। ठीक है भैया, ये लड़ाई कॉरपोरेट घरानों और किसानों के बीच की है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का प्रतिनिधित्व
करने की जरूरत नहीं है, मेरा बूथ का कार्यकर्ता बल भले राम राजा महाराज को हराने की क्षमता रखता है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ का। मित्रों, मैं आज साथ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं इसलिए नहीं, शिवराज सिंह के साथ लंबे समय काम किया है इसलिए नहीं, मैं हृदय से एक न्यूट्रल राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में मानता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास में अद्भुत है। हम भी आते थे गुजरात से भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद दाहोद आने आके सो जाते थे, जैसे ही दाहोद समाप्त होता था मध्य प्रदेश शुरू होता था गाड़ी गड्ढे में गिरते ही नींद खुल जाती, सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क किसी को मालूम नहीं, और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में शुमार। और यहाँ पर परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कृषि विकास दर रखने वाला 5 सालों से सतत सबसे ज्यादा कृषि विकास दर, सबसे ज्यादा इरिगेशन की सुविधा बढ़ाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना, सबसे ज्यादा रोडों का छाला बिछाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है, सबसे ज्यादा विकास दर में सातत्य रखने वाला प्रदेश शिवराज सिंह के नेतृत्व में पूरे विधायक और उनके मंत्रिमंडल की टीम ने मध्य प्रदेश की जनता का और जन जन का विश्वास जीतने का काम किया। एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी हारी है, यह विजय ही विजय भारतीय जनता पार्टी का रास्ता। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य से एक प्रगतिशील राज्य की ओर गति कर रहा है, मगर काफी काम बाकी, इतना करने के बाद भी काफी काम बाकी है, और अगर वो समाप्त करना है मध्य प्रदेश की विकास की गति को बरकरार रखना है तो आज इस पंडाल में जितने भी कार्यकर्ता है वो सबने संकल्प भी कर जाना पड़ेगा, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीतना है। अब जब मैं कहता हूं अगला चुनाव जीतना है तो मैंने पहले ही कहा कि इस चुनाव को हमने संगठन के आधार पर जीता, शिवराज जी का लोकप्रिय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री का लोकप्रिय नेतृत्व जन जन को आकर्षित कर रहा, मगर हमारा दायित्व है कि संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव के मतदान के तिथि तक एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिसके पास संगठन का कार्यकर्ता मत की प्रार्थना लेकर पहुंचा न हो, ये संगठन का कार्य, एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिस पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जखीरा लेकर हम न पहुंच जाए, और एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिसकी आकांक्षा जानने का काम जनता पार्टी ने कार्यकर्ता। अगर इस प्रकार से चुनाव को गुनते हैं 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता बने हैं मध्य प्रदेश, जरा जोर से बोले कितने बने हैं, 1 करोड़, एक बार फिर से बोले कितने बने हैं, 1 करोड़, और एक बार फिर से बोले कितने बने हैं, 1 लाख कार्यकर्ताओं के हमारे पास नाम पते और बूथ के अंदर उसको आवंटित कर दिया गया 63 लाख कार्यकर्ता है। अगर 5 दिन भी चुनाव का प्रचार करते हैं तो 5 ही दिन में मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति का संपर्क समाप्त हो, इसका रोड मैप बना है, मैंने रोड मैप देखा है, इसकी कार्य योजना बनी है, बड़ी वैज्ञानिक तरीके से बनी, और मैं मेरे अब तक के चुनाव के अनुभव के आधार पर कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन कार्य योजनाओं को लेकर जाता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्य योजना को आगे बढ़ाता है तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव है। अगर इस बार
बार जब हम चुनाव के लिए जाए तब विजय के लिए काम करें। विजय को प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का स्वभाव है, इसलिए विजय की आपसे अपेक्षा नहीं, केंद्र नेतृत्व को आपसे अपेक्षा है, मेरे देश उन्नत कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है। इस बार विजय का मार्जिन इतना बढ़िया हो कि टेलीविजन देखकर दुश्मनों के दिल पे कौर आ जाए। राजनीतिक पंडित कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है, इतने साल का शासन है, 22 सिंगराज इतने साल से मुख्यमंत्री है, भाई ये सब शब्द कांग्रेस पार्टी के साथ बने हैं कि सत्ता मिलते ही आप सत्ता भोगने में पड़ जाते हैं, आपको सत्ता का सुख भोगने की आदत है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को आदत नहीं है, सत्ता मिलते ही सेवक की तरह लोगों के बीच में काम करने की आदत। गुजरात में 22 साल से हमारा शासन रहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सारी जगहों पे जहां जहां लंबे समय तक हमारा शासन रहा वो एंटी इनकम्बेंसी की बात आप लोग 13 में भी कर, 18 में भी कर रहे हैं और 23 में भी करते रह जाओगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर विभाजन करने की राजनीति, पूरे देश के अंदर जातियों को बांटने की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो नहीं। भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास था उसको विफल करने का काम एक कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात को लेकर जन जन तक पहुंचाए और उनको एक्सपोज करने का, उनको जनता के सामने को एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और किस प्रकार के झूठ के पुलिंग देते हिंदू आतंक आतंकवाद का भला कोई धर्म होता है क्या? एक फर्जी केस बनाया और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया और नाम दे दिया हिंदू टेरर। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने। और क्या हुआ, जो जेल में गए थे वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मुकदमा चला अभी हैदराबाद की अदालत में उसका परिणाम आया,
हैदराबाद की अदालत ने कहा कि पूरा मुकदमा राजनीतिक कारणों से बनाया गया है, ये फर्जी मुकदमा है और ये सारे लोगों को सम्मान से ही मुक्त कर दिया। मित्रों, संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं उसको अपमानित करने में कांग्रेस जरा भी नहीं है। अभी अभी कितनी घटनाएं हुई, ढेर सारी घटनाएं के उदाहरण चुनाव आते तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा देना, केस आते हैं तो न्यायपालिका पर आरोप लगा देना, इंपीचमेंट की उनकी मोशन गिर जाती है तो देश के उपराष्ट्रपति को विवाद में घसीटना, सारे संवैधानिक पदों को कांग्रेस पार्टी ने विवाद में घसीटने का काम। एक और कांग्रेस पार्टी विभाजन की बात, एक और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात करती है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी विकास के माध्यम से सबको छोड़ने का काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे। मित्रों, 70 साल की आजादी के बाद देश के 19,000 गांव में बिजली गई थी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बने। आज 4 साल के अंदर देश में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं है, सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। भाई कन्हैया ने बैठे गरीब महिलाओं को कंधे और टहनियां जलाकर खाना पकाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक लगभग 3.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा देने का काम समाप्त, हर घर में बिजली पहुंचाने की सौभाग्य योजना शुरू हो गई है। स्वच्छता अभियान के तहत 7.5 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया। मित्रों, हर गांव के अंदर विकास पहुंचाना, रोडों को आगे बढ़ाना, बंदरों को आगे बढ़ाना, रेलवे ट्रैक को आगे बढ़ाना, ऊर्जा का महत्तम उत्पादन, कोयले का महत्तम उत्पादन, गाड़ियों का महत्तम उत्पादन, दो पहिया वाहनों का महत्तम उत्पादन, हर क्षेत्र के अंदर विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्र है और वही विकास के आधार पर, वही योजनाओं के आधार पर हम चुनाव में जाना चाहते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी जाति जाति के बीच में भेद कराने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, जातिगत आंदोलन देश में उभारने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके ये प्रयास को विफल, संगठन के माध्यम से अभी से चुनाव की तैयारी नहीं रखी। अभी संचालक महोदय विष्णु जी कहते थे कि मुझे चुनाव का मार्गदर्शन करना है, मैं हर जिले में आऊंगा, भैया जरा भी जल्दबाजी में ना रहिएगा, आपके साथ सीधा बैठकर बात करने वाला हूं। मैं देश के हर जिले में जहां जहां चुनाव हुआ वहां गया हूं, आपके यहां भी आऊंगा, मगर मुझे चुनाव में कोई मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, सैकड़ों चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं, सैकड़ों
महाशय आए हुए थे, घर के सभी सदस्य गीता सुन रहे थे, वो सुना रहे थे। तीसरे दिन मैंने मेरी माँ को पूछा कि इतनी बड़ी गीता, दोनों और लाखों लोगों की 28 अक्षौणी सेना खड़ी है, हाथी खड़े, घोड़े खड़े, रथ खड़े हैं, दंदुबिया बजती है, संत नगाड़े बजते हैं, इसमें कृष्णा भगवान इतनी लंबी गीता कैसे अर्जुन को कह पाएंगे? पंडित जी झूठ बोले, तो मेरी माता ने मुझे चुप करा दिया। पंडित जी चतुर थे, उन्होंने देखा कि बच्चा कुछ पूछ रहा है, तो उन्होंने कहा क्या पूछ रहा है, क्यों चुप करा रहे हो उसको पूछने को? तो मैंने सीधे ही पंडित जी को पूछ लिया, वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि तेरी बात सच है भैया, इतनी बड़ी गीता कृष्ण भगवान पढ़े नहीं होंगे, कृष्ण भगवान एक ही वाक्य बोलेंगे, हे अर्जुन हे परंतप, पूरा जीवन मैंने तुझे जो धर्म के बारे में कहा है उसको याद कर, खड़ा हो जा, गांडी हाथ में ले और दुश्मनों का संहार कर, अधर्म का विनाश। मुझे भी कोई लंबी बात आपको कही नहीं है, उषा भाव ने जो सिखाया है उसको पूरा स्मरण कर दीजिए, अपने आप को काउंटिंग तक पार्टी को समर्पित कर दीजिए, पार्टी की कार्य योजना के हिसाब से चलिए और कांग्रेस को मूल समेत उठाकर विजय की प्राप्ति मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को मध्यप्रदेश से कांग्रेस को मूल समेत उठाकर फेंक दे, ऐसे विजय की अपेक्षा। और जैसे भाई शिवराज जी ने कहा, 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की झोली में 29 के 29 कमल यहां से आए, इस प्रकार के विजय की नींव इस विधानसभा के चुनाव में लगानी। और विधानसभा में से सबसे ज्यादा सीटों का विजय भारतीय जनता पार्टी इस बार। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें विजय मिलने में दिक्कत होती है, आप सभी को मालूम है कौन से दो क्षेत्र मालूम है ना? मालूम है ना? आप लीग पर घर में जाना, दोनों क्षेत्रों की सभी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित। और हम सुनिश्चित करेंगे इसको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि इस बार कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहता जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। ये संकल्प के साथ, ये हौसले के साथ, इस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय के मैदान में जाए। नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जैसा विश्व नेतृत्व कवचित मिलता है, कभी कभी मिलता है। हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी हमारा नेतृत्व करें। मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में और भाई राकेश सिंह की योजना के अनुसार हम सब लोग आगे बढ़े और विजय की प्राप्ति करें और फिर एक बार तय कर दे कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का घर है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पैर है, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये कार्य करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। मित्रों बताओ, मैं आपके अध्यक्ष